हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश के नंबर वन ऑनलाइन चैनल एकेडमी पर। और मैं हूँ डॉक्टर एन सराफ आपके साथ, लेकर आर्ट एंड कल्चर की पीपीटी के चक्कर में हम लेट हो गए आज। आप लोग वेट कर रहे हैं, आई एम रियली सॉरी। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे ऑनलाइन आ गए हमारे साथ। अनीता जी, सुशील जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो कल की क्लास बहुत अच्छी रही, मौर्य वंश हमने पूरा कर लिया। 2 दिन क्लास हुआ मौर्य वंश का और लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं उसको, ठीक है। और उसी कड़ी में आज हमारा तीसरा क्लास है। आज की क्लास का जो बच्चों टॉपिक है वो है मौर्य काल के बाद, ठीक है। मौर्य काल के बाद और गुप्त काल में क्या क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीज़ें हुई, ठीक है। वो सारा आज हम कवर करेंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों? हाँ चलिए, तो रेडी हैं पहले क्वेश्चन के लिए, आ जाइए फटाफट से। रविंद्र सोनकर जी नमस्कार, गुड इवनिंग। बच्चों मेरा कोड याद है ना आपको, Rhino 10+ कोर्स के लिए, ठीक है। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है, थोड़ा सा जुकाम है मुझे, सॉरी। तो आज हमने मौर्य काल के बाद, मौर्य काल हमने लगभग सांची के स्तूप, विहार, चैत्य, बच्चों वो सब हमने कवर कर लिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, क्योंकि मैं सीक्वेंस वाइज चल रही हूँ, एंशियंट टू मॉडर्न हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो एंशियंट टू मॉडर्न के अंदर चलिए जी, तो एंशंट और मॉडर्न के अंदर जो है आपका बच्चों, अब आज का जो हमारा है कंटेंट वो है कि भैया क्या हुआ मौर्य काल के बाद, क्या हुआ, ठीक है जी। तो मौर्य काल के बाद क्या हुआ, चलिए देख लेते हैं। भैया पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। और दो स्कूल से बच्चों, आपको अगर आपने हिस्ट्री ढंग से पढ़ा होगा तो दो स्कूल्स थे वहाँ पर, ठीक है, गंधार और मथुरा। और दोनों स्कूल में कुछ कुछ मेन डिफरेंसेस थे। तो जब आपका मौर्य वंश ख़त्म हुआ तो उसके बाद कुछ सिस्टम्स बन गए, कुछ कॉलेज बन गए डिफरेंसिएशन के लिए। ठीक है, तो उसी के बारे में क्वेश्चन है कि गंधार स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। दो ऑप्शंस हैं आपके सामने। गंधार स्कूल आपका कुशांस के टाइम पर ऑरिजिनेट हुआ था, जबकि मथुरा स्कूल आपका साकास के टाइम पर ऑरिजिनेट हुआ था, ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर टू है कि गंधार स्कूल ने जो है बच्चों वो स्कल्पचर्स बनाए थे बुद्धा के, जबकि मथुरा स्कूल ने केवल भारतीय इंडियन गॉड्स, यानी कि भारत का जो हिंदुज़म का सेक्ट है, ठीक है, तो उसको लेकर इन्होंने उन्हीं के चित्र वगैरह बनाए थे। किसकी, मथुरा स्कूल की बात हो रही है। तो उसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताएं। ओके, आरिफ आ गए हमारे साथ, आरिफ जी हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है बच्चों? सी, आरिफ बोल रहे हैं सी।
चलिए मैं समय को नष्ट ना करते हुए आपको बता देती हूँ बच्चों, इसका जो जवाब है वो है डी, यानी कि कोई नहीं। क्या है इसका जवाब? डी, यानी कि कोई नहीं। डी जवाब बच्चों इसीलिए है क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ था, मैं आपको बता देती हूँ कि गंधार स्कूल जो था वो आपका इंडो ग्रीक रूलर्स के टाइम का है। कौन से रूलर्स के टाइम का है? इंडो ग्रीक, ठीक है। तो इसके जो रियल पैटर्न्स थे बच्चों गंधार स्कूल का आर्ट के, वो साकास भी थे, वो कुशांस भी थे, और स्पेशली कनिष्का की अगर हम बात करें, रूलर जो कनिष्क रूलर थे वो भी इसके गंधार स्कूल और इसके गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में तीनों का नाम आता है, ठीक है, साका उसका। अच्छा जी, अब जो मेन चीज़ है बच्चों, मथुरा स्कूल ने बुद्धा की भी बनाई थी। अब अगर स्टेटमेंट की मैं दूसरे की बात करूँ तो मथुरा स्कूल ने आपका बुद्धा के भी इमेजेस बनाया था, उसके अलावा, हेलो दीपक जी, गुड इवनिंग, ठीक है, और उसके अलावा उन्होंने शिवा, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी, इन सब की उन्होंने बच्चों इमेजेस बनाई हुई हैं। किसने? मथुरा ने बनाई हुई हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस की बनाई है। अच्छा जी, अब ये जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है बच्चों आपका, इसमें आपको ग्रीस का इन्फ्लुएंस बहुत दिखाई देता है, ग्रीस लोगों का इन्फ्लुएंस यहाँ पर बहुत दिखाई देता है, ठीक है। एक मिनट, मैं और मुझे जुकाम हो गया ऐसा लग रहा है कि बच्चों आप नोट करते जा रहे हो ना जो मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, तो मैं आपको ये बोल रही थी कि उन्होंने, उनके पास ग्रीक गॉडेसेस का भी थोड़ा सा सहयोग मिलता है, ग्रीक गॉडेसेस का, ठीक है। तो इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके बिल्कुल बिल्कुल बच्चों गलत है। मैं इधर इसलिए देखती रहती हूँ, ये आपका बच्चों चैटिंग चलता रहता है यहाँ पर, देखिए, ठीक है। तो इसीलिए जो उसका सही स्टेटमेंट हुआ वो हुआ डी, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। और अगर मैं गंधार स्कूल की बात करूँ तो उसमें आपके रोम, ग्रीस, और इसके अलावा बुद्धा का बर्थ, बुद्धा का पुनर्जनन, पुनर्रेनन्सिएशन, और उनकी प्रीचिंग्स, ये सब कुछ आपको वहाँ पर दिखाई देगा। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं कर रहा है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे आप जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, और उसमें मैं आपको जो भी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, तो बच्चों आई मस्ट एक्सपेक्ट कि आप उसके शॉर्ट नोट्स मेरी क्लास में बनाते चलें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, गंधार में मूर्ति कुला, मूर्ति जो कला थी गंधार, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में, तो उसमें बेसिकली किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, जल्दी बताएं। बैक्ट्रिया, पार्थिया और लोकल गंधार ट्रेडिशन, फारसी, श्रीलंकन और कश्मीरी, पहाड़ी, कारला और कश्मीरी परंपरा, बैक्ट्रिया, कारला और श्रीलंकन ट्रेडिशन, बताइए बच्चों। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करा कि इस स्कूल में किसका किसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, किसका ज़्यादा प्रचलन था। बताओ आरिफ, सुशील जी, आज ये सारे बच्चे कहाँ गए? रितु, अंजलि, आज सारे बच्चे गायब हैं आज। आरिफ आपने शेयर कर दिया क्लास सबको? चलिए बच्चों समय को नष्ट ना करते हुए आपको बता देती हूँ, मैंने अभी आपसे बात बोली कि हाँ, कि जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट था उसमें इंडो और आपके ग्रीस और आपके जो रोमन थे तीनों का बच्चों वहाँ पर इन्फ्लुएंस था, ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। तो जो उसका सही आंसर बना बच्चों वो बना ए, ठीक है बच्चों, उसका सही आंसर क्या बना? ए। बच्चों 2 मिनट में पीपीटी जरा रीओपन कर रही हूँ, पीपीटी हैंग हो गई है मेरी, 2 मिनट रुकेगा जरा आप लोग।
चलिए दिखाई दे गया बच्चों। आगे फिर मैं तुम्हें अपनी अनअकैडमी की क्लास में बताऊंगी या नहीं बता रही, ठीक है? यहाँ मुफ्त की सलाह देना बेकार है लोगों को। तुम्हें मैं अलग से वो कर दूंगी, बता दूंगी, ठीक है? ठीक है, अलग से बता दूंगी मैं आपको। चलिए बच्चों, दिख गया आपको, स्क्रीन दिखाई दे गया, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। तो बच्चों इसका इसका ऑप्शन क्या बना आपका? इसका ऑप्शन बना ऑप्शन नंबर 1, बैक्टीरिया, पार्थिया और लोकल गांधार ट्रेडिशन। बच्चों चलिए, अब दो स्टेटमेंट्स आ गए हैं आपके सामने। आरिफ क्या बात कर रहे हो, ये गंधार स्कूल ऑफ आर्ट नहीं पढ़ा, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी नहीं पढ़ा, क्या बात कर रहे हो? ये आपकी आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये सब पूछिए, कहीं अलग से कोई मैं बाहर से क्वेश्चन नहीं लाई। ये जितना भी मैं आज आपसे कंटेंट या कल मैंने पूछा, आपको पता है बच्चों आर्ट एंड कल्चर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार हर साल यूपीएससी यूपीपीएससी के अंदर भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स में आते हैं, मेंस में आते हैं, एसए में आते हैं, इवन आपका इंटरव्यू होता है वहाँ पर पूछे जाते हैं। और इसका जो मेन जड़ है ना, आपकी जो जड़ है वो जड़ जो है इसकी है एनसीईआरटी। ये सब तो हमने 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में सब पढ़ा हुआ है, मतलब मुझे याद है कि मैंने पढ़ा है एनसीईआरटी में। और आप तो इतने दिन से हिस्ट्री पढ़ रहे हो आरिफ, और तुम्हारा तो ऑप्शनल भी हिस्ट्री है, तुम्हारा तो ऑप्शनल भी हिस्ट्री है, क्या बात कर रहे हो? और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गंधार स्कूल ऑफ आर्ट या ये सब कुछ बच्चों पहले कभी नहीं पढ़ा? और अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो मेरा लाइक नहीं करा है, प्लीज लाइक जरूर करेंगे, ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपके जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है, मध्य एशिया आक्रमणों के बाद भारत में विकसित हुआ या इसके अंदर ग्रीक और रोमन आर्ट दोनों के फीचर्स थे? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू या नन? अभी यार मैंने इसका जस्टिफिकेशन दिया आपको। क्या बनेगा इसका आंसर, जल्दी बताएं बच्चों। मैंने अभी आपसे बोला कि गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में इंडो रोमन और ग्रीक, इंडो माने इंडियन गॉड्स का भी इसमें चित्रण था, इसमें बुद्धा का भी चित्रण था, इसमें रोमन का भी चित्रण था, इसके अंदर ग्रीक्स का भी चित्रण था, सारी झलक आपको इसके अंदर मिलती है, ठीक है? तो ये बेसिकली दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। जब इंडिया में आपके कौन आए थे, अलेक्जेंडर आए थे, अलेक्जेंडर के आने के बाद सेंट्रल एशिया का जब इन्वेजन हुआ भारत के अंदर, एब्सोल्युटली राइट आ गई, बिल्कुल सही जवाब है आपका, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? तो उसमें दोनों ही जवाब आपके बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, स्कूलों में कौन से बुद्ध के चेहरे और आंकड़े बनाने के लिए, कौन से स्कूल, स्कूल मतलब ये वो वाला स्कूल है गंधार स्कूल और मथुरा स्कूल की यहाँ बात हो रही है, कौन से स्कूल ने सबसे पहले बुद्धा का चेहरा और मोहरा बनाया था? विच स्कूल? बताएं बच्चों। जो बच्चे अभी अभी आए हमारे वीडियो पे, लाइक जरूर करेंगे वीडियो को। बच्चों कौन से स्कूल ने, गंधार स्कूल, पहाड़ी, मालवा, कौन से स्कूल ने सबसे पहले बुद्धा का चेहरा और मोहरा बनाया था, डिपिक्ट किया था कि ऐसे दिखाई देते हैं? बच्चों जब भारत में कुशांस आए थे, कुशांस के आने के बाद एक अंदाजा हुआ कि बुद्ध का चेहरा मोहरा कैसा दिखाई देना चाहिए, ठीक है? तो इसके अंदर जो आपका एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा मथुरा। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ने बुद्धा का सबसे पहले, ठीक है, हाँ, उनका बुद्धा का चेहरा मोहरा यानी कि उनके हाव भाव भंगिमाएं बच्चों सब सबसे पहले उन्होंने ही बनाया था, ठीक है? और आपको बता दें कि जताका कथाएं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, उनके ऊपर जताका कथाओं में जिन चट्टानों का जिक्र था, जो चट्टानों के ऊपर जताका कथाएं लिखी हुई थी, उनमें बुद्ध के चेहरे बने हुए थे, ठीक है? तो बच्चों वहीं से उन्होंने थोड़ा सा आइडिया लिया कि बुद्ध का चेहरा आपको कैसे दिखाई देता है। क्लियर हो गई बात? चलिए, नहीं मथुरा आर्ट, मथुरा आर्ट, गंधार नहीं, मथुरा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, गंधार आर्ट के बारे में कौन सा चीज ठीक है, कौन सा चीज गलत है, जल्दी बताएं। इसका थीम जो था, इसका विषय था महायानिज्म, और नंबर 2 रियलिज्म वाज इट्स डोमिनेंट फीचर, यथार्थवाद इसकी प्रमुख फीचर थे। कौन सा सही है, कौन सा गलत है? जो बच्चे अभी अभी मेरी वीडियो पे आए हैं, जल्द जबरदस्त तरीके से
लाइक करेंगे और सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे अकेडमी यूपी एग्जाम्स में। हम यहाँ आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ा रहे हैं मौर्य काल के बाद और गुप्त काल, ठीक है, पार्ट थ्री। आज हमारी थर्ड सीरीज है आर्ट एंड कल्चर की, भारत के संपूर्ण विरासत, कला, संस्कृति, इन सबके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। बच्चों जल्दी मैं सीरीज के अंदर थ्योरी भी लाने वाली हूँ, ठीक है, तो रेडी रहिएगा आप सारे लोग। क्या आंसर आ गया बच्चों आपका, व्हाट इज द आंसर? आंसर मैं बताती हूँ समय को नष्ट ना करते हुए, आपको अगर आंसर नहीं आ रहा है तो मैं बता देती हूँ बच्चों। इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका सी, यानी कि दोनों ही सही हैं बच्चों। एक्चुअली में ये, हाँ आरिफ कह रहे हैं सी, बिल्कुल सही जवाब आरिफ। गंधार आर्ट जो था आपका, उसका जो मेन फीचर्स था गंधार आर्ट में बच्चों, जितने भी बनाए गए ना उसमें मूछें, मसल्स और घुंघराले बाल, तीन चीजें थी गंधार आर्ट के अंदर। गंधार जो आर्ट थी आपकी, गंधार स्कूल था, उसमें तीन चीजों पे बहुत ध्यान दिया जाता था। एक तो चेहरे को, पूरे शरीर को बहुत मांसपेशी युक्त बनाया जाता था बच्चों। काजल मौर्य, नमस्कार काजल जी। एक तो मांसपेशी युक्त शरीर बनाया जाता था बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों मूछें, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे इंडियन गॉड्स में कुछ गॉड्स की मूछें नहीं दिखाई जाती, कुछ गॉड्स की मूछें दिखाई जाती हैं। और तीसरा था बच्चों घुंघराले बाल, तो उसमें मानव शरीर में तीन चीजें, जब भी वो कोई गॉड या कुछ भी बनाते थे बच्चों तो उसके अंदर तीनों चीजें डालते थे, मूछ, मांसपेशी वाला शरीर, मतलब पतला शरीर नहीं बनाते थे, बिल्कुल हष्ट पुष्ट शरीर बनाया जाता था, और थर्ड था घुंघराले बाल, ठीक है। और उसके अलावा यथार्थवाद, तो इसमें रियलिज्म, यही रियलिज्म है। रियलिज्म मतलब उन्होंने अपने आसपास के लोगों को देखा कि बड़े मस्कुलर शरीर होता है ना, मूछे होती हैं, घुंघरा, क्योंकि बच्चों जो ग्रीक लोग थे ना, उनके उनका हाव भाव, उनका शरीर ऐसा ही होता था, तो उसको देखकर उन्होंने क्या कल्पना करी कि अरे यार ये ऐसे ही दिखाई देते होंगे, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों रियलिज्म, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। अच्छा जी, अब सिंबॉलिक एक्सप्रेशन भी दिए जाते थे, हंसते हुए, मुंह बनाते हुए, है ना, बहुत अच्छे से कार्विंग, चट्टानों के ऊपर बहुत अच्छे से खुदाई करी जाती थी। और आपको बता दें बच्चों की जो कपड़े पहनाए जाते थे वो बहुत अच्छे से, कपड़ों को बनाते हुए भी पत्थर के ऊपर उकाड़ा जाता था, ठीक है। तो महायानिज्म का मतलब है बुद्धिज्म, महायानिज्म हम यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द बच्चों, बुद्धिज्म के लिए। तो मैंने अभी आपसे बोला कि गंधार आर्ट में आपके इंडो ग्रीक, रोम और उसके अलावा आपके बुद्धिज्म को भी यहाँ पर हाईलाइट किया गया, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके कंप्लीटली करेक्ट है, ठीक है। मैं आशा कर रही हूँ कि आप सारे लोग मेरे साथ नोट्स जरूर बना रहे होंगे जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टेटमेंट से आपके सामने दो। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज कंटेम्प्रेरियस विद द स्कूल ऑफ गंधार आर्ट, यानी कि दोनों समकालीन थे, मतलब एक ही काल के थे। नंबर वन, जो मटेरियल मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में इस्तेमाल होता था वो था ग्रीन फिलाइट और नीला ग्रे रंग का माइका। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है। हेलो सीमा जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? बच्चों आप आज वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? मैम मैम इतना अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आ रही हैं,
आप कम से कम वीडियो तो लाइक कर सकते हो बच्चा। चले, दीपक जी बोल रहे हैं सी दोनों ही सही है, एब्सोल्युटली राइट है क्या ये? आरिफ बताओ जरा, आरिफ हमारे हिस्ट्री एक्सपर्ट हैं यहाँ पर। जल्दी बताओ आरिफ। चलिए, समय को नष्ट ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ बच्चों, उसका सही आंसर है आपका कि मथुरा आर्ट जो था आपका, है ना, ये 2nd सेंचुरी BCE का था, 2nd सेंचुरी से लेकर 12वीं तक का, 2nd BCE बिफोर क्राइस्ट से 12वीं शताब्दी AD तक का, ठीक है। ये आपका मथुरा आर्ट था जिसमें आपका बुद्धिज्म को पूरी तरीके से बच्चों डिपिक्ट किया गया। आज सॉरी मेरा गला यार बहुत ख़राब चल रहा है तो आवाज़ आपको अजीब सी आ रही होगी, है ना। अच्छा दूसरा मैं आपको बताती हूँ, आंसर दे दी दे दी, अच्छा दे दी आंसर सी, ओके ओके सॉरी सॉरी आरिफ मैंने देखा नहीं, सॉरी बच्चों उसका सही आंसर है ओनली वन। ये दोनों आपके समकालीन थे, ठीक है। 1st से 6th सेंचुरी तक तो आपका, 1st से 6th AD तो आपका आता है बच्चों ये वाला, क्या कहते हैं कि कुषाण और गुप्ता आपका 1st से 2nd के बीच में था, तो मथुरा आर्ट आपका वहीं आया था। ग्रोक रोमन इन्फ्लुएंस उसके साथ मैच करता है दोनों के साथ बीच में। लेकिन बच्चों जो इसका सेकंड स्टेटमेंट है कि इसमें हरे रंग का पत्थर इस्तेमाल होता था, वो बच्चों पूरी तरीके से गलत स्टेटमेंट है। इसके अंदर लाल रंग का सैंडस्टोन है ना, जो लाल रंग का जैसे लाल किला बनाया आपका, तो लाल किला संबंधित जैसे रेड सैंडस्टोन का पत्थर बच्चों यहाँ पर इस्तेमाल होता था, जिसपे चित्ती थी, स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन, ये मथुरा आर्ट में इस्तेमाल होता था बच्चों। इन्होंने बोला है कि इसमें हरे रंग का पत्थर इस्तेमाल होता था, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया और फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कनिष्क का जो बिना सर का प्रतिमा है वो कहाँ पाया गया है? कनिष्क का जो बिना सर वाला प्रतिमा है वो कहाँ पाया गया है? मथुरा, पेशावर, तक्षशिला या कोई नहीं? बच्चों देखो नीचे आपकी चैटिंग चलती रहती है, मैं वही देखती रहती हूँ। बताइए बच्चों क्या आंसर बनेगा, जल्दी से क्विकली। ठीक है जी, जवाब आ गया, दीपक का जवाब आया है बी, आरिफ का जवाब आया ए। बच्चों तो उसका सही जवाब है ए, मथुरा। बच्चों मथुरा में ये एक्चुअली एक आपके पंडित जी थे, उनका नाम था पंडित राधे कृष्णा, तो राधे कृष्णा के द्वारा बच्चों इस मूर्ति को पाया गया था मथुरा में, ठीक है। और बच्चों जो आपकी NCERT जिन्होंने लिखी है ना, रोमिला थापर, तो रोमिला थापर ने बोला है कि ये राजा का जो बिना धड़ का, सॉरी बिना सिर का जो धड़ का ये मूर्ति है, सुन रहे हैं बच्चों सारे, तो ये दिखाता है कि ये राजा का व्यक्तित्व बहुत बढ़िया था, इम्प्रेसिव पर्सनालिटी। इन्होंने कोट पहना हुआ था, इन्होंने बूट्स पहने हुए थे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये मेंशन करता है कि हाँ, और उन्होंने ये बोला कि ये जो राजा है ना, ये मथुरा में, क्योंकि बच्चों मैंने आपसे क्या बोला था कि मथुरा बहुत गर्म जगह है, वहाँ पे सबसे कम यूपी में जो बारिश होती है वो आपकी मथुरा में होती है, ठीक है। तो मथुरा में इस तरह के कपड़े पहनना, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि मथुरा में इस तरह के कपड़े कैसे पहने जा रहे हैं इतने गर्म माहौल में,
ठीक है। तो ये भी कुछ बातें उन्होंने नोट करी। रोमिला थापक ने बच्चों ये बात बोली थी कि ये राजा जो था ये बड़ा इम्प्रेसिव था, जिसपे बूट्स थे, कोट्स थे, ठीक है जी। तो फिर बाद में ये बात हुई कि ये कोई सेरेमनी हुई होगी, कोई राज्याभिषेक हुआ होगा या कुछ इस तरीके का फंक्शन हुआ होगा। तो उस फंक्शन में इन्होंने क्या करा, इस कोट पर को पहना होगा, ठीक है। और ये जहाँ के हैं, मतलब क्योंकि यहाँ के तो नहीं थे, ठीक है, आपके सेंट्रल एशिया से आए थे, आपके मध्य एशिया से आए थे। तो बच्चों मध्य एशिया से आने के बाद वहाँ से अपनी ड्रेस लाए होंगे, और इनका कोई फंक्शन होगा, इनका कोई सेलिब्रेशन हुआ होगा, कोई उत्सव हुआ होगा, कोई जलसा हुआ होगा, तो इसी वजह से ये कपड़े इन्होंने यहाँ पर पहन रखे हैं, ठीक है। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया आपको बात बता रहे हैं, नोट्स बना लिया कीजिए इनके। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या बना आपका, इसका सही आंसर बना मथुरा। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, मथुरा की जो मूर्ति कला है वो यक्ष की इमेज, जो आपके यक्ष भगवान हैं, जो यक्ष यमराज टाइप जो है, उनके आधार पर बनाई गई है, ठीक है। और दूसरा है इमेजेस वैष्णव और शैव मथुरा में भी पाई गई हैं, और सारनाथ की जो बुद्धिस्ट इमेजेस हैं उनके ऊपर बहुत सारे कपड़े लपेटे हुए दिखाए गए हैं, ठीक है। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बताइए बच्चों क्या लगता है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रही हूँ बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। देखिए आपका रिवीजन भी हो रहा है, आपने जो जो हिस्ट्री में पढ़ा है ना, ये समझ लीजिए आपका पूरा तैयार हो गया, साथ में साथ में बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया। यूपीएससी लेवल तक भी कोई क्वेश्चन देने जाएंगे ना, तो आपका गलत नहीं होने का है, ये मेरी गारंटी है। आपको पता है रैना मैम जो भी कंटेंट लेकर आती हैं वो जबरदस्त कंटेंट होता है। पल्लवी जायसवाल, नमस्कार बच्चे, गुड इवनिंग। पल्लवी बोल रही है मैम सी। ठीक है चलिए, मैं समय को ज्यादा नष्ट ना करते हुए बता देती हूँ बच्चों, उसका जवाब है ओनली वन एंड टू। बच्चों ऊपर के दो स्टेटमेंट आपको पता है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्ध की मॉडल्स और फिगर बनाई गई थी बच्चों, ठीक है। और यहीं पर दोनों मथुरा आर्ट में भी, गंधार आर्ट में भी, आदमी के फॉर्म में बुद्धा को दिखाया गया था, उनकी इमेज को कार्व किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर यक्ष फॉर्म में है ना, यक्ष का मतलब हो गया प्रॉपर ह्यूमन फॉर्म में उसको बनाया गया, ठीक है। अच्छा जी, गंधार आर्ट में बनाया गया, आपके जो ग्रीक और रोमन जैसे बॉडी थी उनके आधार पर बनाया गया। आपको बच्चों कहीं पर तो बुद्ध के सीधे बाल नजर आते होंगे, कहीं पर बुद्ध के आपको घुंघराले बाल नजर आते होंगे। तो ये घुंघराले बाल जो समझ लीजिए गंधार आर्ट वालों ने बनाई है, और जो प्लेन बाल है वो आपके मथुरा आर्ट वालों ने बनाई है। मथुरा आर्ट वाले कहते हैं कि भैया घुंघराले घुंघराले बाल हमने तो नहीं देखे, हम तो सिंपल बाल बनाएंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको बताती हूँ बच्चों, मथुरा आर्ट वाले जो थे आपके, मतलब से लास्ट वाला है कि सारनाथ में जो बुद्धिस्ट की इमेजेस मिली है, बुद्धिस्ट की जी मिली है, उसका गले को, गला उनमें गले में बहुत सारे ऑर्नामेंट दिखाए गए हैं। हेलो बच्चों एक तरीके के गले के ऑर्नामेंट होते थे, ये हेलो हेलो कहा जाता था, गले से नीचे तक का एक लबादा होता था, उस लबादे में बहुत सारे जेवर और पता नहीं सिल्क और पता नहीं क्या क्या होता था। तो ये बोल रहे हैं कि सारनाथ में जो इमेजेस मिली है उसमें बहुत सारे उन्होंने बहुत मोटे कपड़े पहने हुए हैं और बहुत ज़्यादा सजावटी है, जबकि ये उल्टा है। सारनाथ में बच्चों जो उनकी इमेजेस मिली हैं तो बहुत पतला कपड़ा उन्होंने पहना हुआ है, इसमें केवल दोनों कंधे उनके ढके हुए हैं, और जो गले के आसपास उनके बहुत हल्का सा उन्होंने जेवर, मतलब बहुत हल्का, बहुत कम लाइट, एकदम बहुत लाइट फिगर्ड है उनका। जबकि जो मथुरा वालों का, मथुरा की जो इमेजेस बनी है बुद्धा की, उसमें बच्चों ने जबरदस्त तरीके से पूरा कपड़े वपड़े मोटे लबादा और ऊपर से गले में पूरा डेकोरेशन
और पूरा ज्वेलरी ये सब बहुत बढ़िया तरीके से मथुरा आर्ट वालों ने दिखाया है, सारनाथ वालों ने नहीं दिखाया है। सारनाथ में जो आपको बुद्ध की इमेजेस मिलेंगी बच्चों, वो आपको बहुत सिंपल मिलेंगी, बहुत पतला सा ट्रांसपेरेंट कपड़ा मिलेगा आपको, जो उनके दोनों कंधों पर ऐसे, आप कभी ध्यान से कभी देखिएगा अपनी किताबों में जो बुद्ध की इमेजेस आपको मिलती हैं, तो उसमें दोनों कंधों पर जो बुद्ध की आपको कपड़ा पड़ा हुआ दिखेगा, समझ जाइएगा कि वो सारनाथ से ली हुई फोटोज हैं, वो सारनाथ का उसमें रेफरेंस है। जो मथुरा वाले हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा जूलरी वूलरी और ये वो अकड़म सकड़म बहुत सारा उनको बहुत ज़्यादा ग्लोई तरीके से उनको दिखा रखा है, बहुत ज़्यादा हैवी लोडेड उनको उन्होंने दिखा रखा है। ठीक है, पल्लवी तुमने मेरा इस सीरीज का ठीक से नाम नहीं सुना। मैंने इसमें बोला कि प्रिलिम्स और मेंस, ये जो क्वेश्चंस हैं इनके अंदर जो भी हम डिस्कशंस कर रहे हैं, अब मान लो ये इतना बड़ा मैंने आपको क्वेश्चन दिया, अब इसके ही आप 4 क्वेश्चन बना सकते हो, तो ये अगर आपने एक क्वेश्चन किया तो आपके यूपीपीसीएस के 5-6 क्वेश्चंस के बराबर ये एक क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है? तो ये मैं आपको जो साथ में नोट्स देती जा रही हूँ कि ये मथुरा में ऐसा हुआ, गंधार में ऐसा हुआ, वहाँ पर ये इमेजेस पाई गई वहाँ, और आपने कल का क्लास नहीं देखा, उसमें मैंने रॉक कट और आपकी आर्टिफिशियल केव्स और आपकी बलबना की केव्स और कागला की गुफाएं और ये सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, तो ये हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हम एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ रहे हैं। एमसीक्यू द्वारा, एमसीक्यू द्वारा का मतलब समझती हो कि डिटेल में हम लोग जा रहे हैं, तो मुझे ये देखना है कि आप लोगों का तैयारी कितना है। और आर्ट एंड कल्चर का प्लस पे प्रोग्राम लेकर आ रही हूँ मैं, इसीलिए आप जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अनअकैडमी का, वो मेरा कोड RAYANA10 इस्तेमाल करेंगे। इस महीना मैं आपके लिए प्लस कोर्स पर ला रही हूँ आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर ना, तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस महीने का मेरा कोर्स आने वाला है ये। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई गेस आप नोट्स बना रही हो मेरे साथ, जो जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती जा रही हूँ उसको आप साथ में बच्चों प्लीज लिखते चलिए। दीपक तो बना रहा है नोट्स, और बाकी बच्चों का मुझे पता नहीं कि कौन बना रहा है कि कौन नहीं बना रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपके सामने 4 स्टेटमेंट है, बताइए ये किसके बारे में कहे गए हैं। ठीक है, 4ों स्टेटमेंट किसको बयान करते हैं। चलिए जी, तो बच्चों पहला है कि ये बुद्धिज्म और ब्राह्मणांत, इन्होंने ब्राह्मणिज्म यानी कि ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया। नंबर 2, इनका नागार्जुन कोंडा में जो आर्किटेक्चर हुआ, बड़ा नोटिसेबल आर्किटेक्चर हुआ। नंबर 3, इन्होंने अश्वमेध और राजसूया यज्ञ को बढ़ावा दिया, दोबारा से शुरू करवाया, जो कभी भगवान राम के ज़माने में होता था, कभी पुराने हिंदू सनातन धर्म में बच्चों अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ की बहुत बहुत कहते हैं इंपॉर्टेंस रही है। और चौथा था, इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज और लिटरेचर को बढ़ावा दिया। ये 4ों स्टेटमेंट किसके बारे में बताए गए हैं, बताइए जरा, देखें आपकी हिस्ट्री कितनी अच्छी है। चोला, चेरा, पांड्या या सतवनहास, सतवाहनास, चोलास, चेरास, पांड्यास, सब पढ़े हैं ना आप लोगों ने, ऐसा तो कुछ नहीं है कि नहीं पढ़ा। अब आपको कितना याद है, कितना डिटेल में आपने पढ़ा है, वो हमको जानना है। पल्लवी का जवाब आ गया मेरे पास, दीपक, आरिफ, सुशील यादव का जवाब नहीं आ रहा, रविंद्र, सारे बच्चे यही हैं कि भाग गए हैं इधर उधर, क्वेश्चनों से डरते बहुत है बच्चे। रितु तो कल इतनी घबरा रही थी, उसको ये नहीं पता कि हम यहाँ टाइम पास करने नहीं बैठे हैं, ये जो सीरीज पूरी चलाई है ना मैंने, ये इतनी खतरनाक सीरीज है। ठीक है, इस सीरीज में आपका पूरा मेंस तक का क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाओगे, मतलब अगर नोट्स बनाते चलोगे तो। ठीक है ना, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी हिस्ट्री कितनी पानी में, आप कितना जानते हो हिस्ट्री को। और किसी बच्चे का जवाब फटाफट, लाइक्स आज बिल्कुल नहीं आ रहे, आज आज बच्चे ढीठ हो गए हैं। चलिए तो बच्चों मैं इसका समय को नष्ट ना करते हुए मैं इसका आंसर देती हूँ। इसका आंसर है आपका सतवाहनास। बच्चों उसके ऊपर तो मूवी भी बनी है साउथ में,
सतवाहना ऐसे थे जो बहुत ज्यादा हिंदुज्म में बिलोंग करते थे, ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा मानते थे, डक्कन से बिलोंग करते थे, ठीक है। पहली सेंचुरी बीसी से लेकर बिफोर क्राइस्ट से लेकर थर्ड सेंचुरी बीसी तक, बिफोर क्राइस्ट तक उनका राज था। और आपको बताऊं बच्चों, एक मूवी आई थी गौतमी पुत्र सतकर्णी, इसके ऊपर मूवीज कई सारी बन चुकी हैं। और फिर उनके बेटे आए थे आपका वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, याद आ गया कि नहीं आ गया? गौतम पुत्र सतकर्णी का नाम तो यार सबने पढ़ा होगा, 7वीं 8वीं क्लास की एनसीईआरटी में है आपके, 7वीं 8वीं क्लास की, गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मणवाद को, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, यज्ञ कराना, बहुत सारी चीज़ें कराना, ये उन्होंने कराया, ठीक है। मतलब सतवाहना के थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। उन्होंने बच्चों अपने किंगडम को छोटे छोटे एरियाज में बांट दिया था। उन्होंने बच्चों चैत्यास बनाए, उन्होंने विहार बनाए, और उनके गांव में जब भी बुद्धिस्ट भिक्षु आते थे तो उनको भर भर के वो लोग भिक्षा देते थे, और उनको गांव के गांव दे देते थे, मतलब जमीन की जमीन दे देते कि भैया ले जाओ आप यहाँ पर, जो करना है वो करो। बात समझ में आ रही है? और आपको बताऊं बच्चों मैं, कि जो आपके अमरावती के जो स्तूपा है, अमरावती अमरावती के जो स्तूप है, बिल्कुल सही आरिफ कह रहे हो, अमरावती के स्तूपों में उनके जो बेटे थे वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, हाँ, मातृ प्रधान लड़की, औरतों का थोड़ा सा वर्चस्व था वहां पर। गौतमी, गौतमी मतलब उनकी मदर का नाम था गौतमी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो हमेशा ना माँ के नाम से चलता था सतवाहनास। और अमरावती स्तूप को बच्चों जो रिपेयर कराया था ना अपने, वो उन्हीं के पुत्र थे वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, मतलब वशिष्ठी, वशिष्ठी उनकी माँ का नाम था, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। एब्सोल्युटली राइट, है ना? बिल्कुल सही बोल रहे हो आरिफ, वेरी गुड। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमको पता होगा कि मातृ समाज था ये पुलवामी, तो उनके बेटे थे ये पुलवामी, तो उनके द्वारा अमरावती के स्तूप की बच्चों पूरी वो करवाई गई थी, क्या करवाई गई थी, रिपेयर करवाया गया था पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों अच्छा, प्राकृत लैंग्वेज को उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। और आपको बता दूं बच्चों, प्राकृत लिटरेचर में एक किताब उनकी लिखी हुई बड़ी मशहूर है, हला सतासई, हाला सतासई ये नाम है किताब का, हाला सतासाई, सतासई या सतासाई कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी प्राकृत भाषा में लिखी गई थी, ठीक है जी। प्राकृत एक तरह की संस्कृत होती है बच्चों, है ना, प्राकृत संस्कृत का ही एक तरीके का एक फॉर्म है, तो वो उन्होंने बहुत ज्यादा उसको बढ़ावा दिया। चलिए बच्चों, विष्णु को नरसिम्हा अवतार में, हेलो गुड इवनिंग अंजलि, बहुत लेट आए आप आज, गौतमी पुत्र, हाँ, विष्णु को नरसिम्हा रूप में, ठीक है, मानव शेर, ये राष्ट्रकुता पीरियड के दौरान का जो काम है बच्चों, ये कौन सी गुफाओं में दिखाया गया है, ये बच्चों कौन सी गुफाओं में दिखाया गया है, अजंता, अलोरा, कागला या कैलाशा। देखो कागला के बारे में तो मैंने तुम्हें कल बहुत अच्छे से बताया था, अजंता, अलोरा, कागला, कैलाश, कौन सी गुफाओं में बताया गया है जी? इसका आंसर है सतवाहना। कैला कौन सा है बच्चों, आंसर बताएं। पल्लवी बोल रही हैं बी, अंजलि बोल रही हैं डी, कैलाशा। बच्चों उसका सही जवाब है अलोरा, अलोरा बहुत प्राचीन गुफाएं हैं, और विष्णु भगवान का जो नरसिंह अवतार है वो आपके अलोरा के अंदर बच्चों दिखाया गया है। इसमें रॉक कट, सबसे पुराने रॉक कट स्कल्पचर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। कागला कैलाशा में केवल एक ही रॉक है, पूरी कैलाश टेम्पल अलोरा के अंदर एक कैलाश टेम्पल है बच्चों, कैलाश टेम्पल,
इसके बारे में ये कहा जाता है, कैलाश मंदिर के बारे में, ये पूरी एक चट्टान से बनाया गया था, काट कर, पूरी एक चट्टान से, ठीक है, पूरी एक चट्टान से बनाया गया था। और पूरे इंडिया में इस ये बहुत बड़ा केव टेम्पल माना जाता है, बहुत यूनिक साइज आर्किटेक्चर और जो मूर्ति कला का अद्भुत उदाहरण है। बच्चों ये बात समझ में आ रही है, अलोरा की गुफाएं, अलोरा की गुफाओं के अंदर कैलाश मंदिर, और वहीं पर विष्णु भगवान को नरसिंह अवतार के रूप में दिखाया गया था। अलोरा में आपकी बुद्धिस्ट भी मिलेंगी, ठीक है, और कैलाशा केव्स ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका अलोरा केव्स, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों गुप्ता काल शुरू हो गया। अब आपका गुप्ता काल के बारे में क्वेश्चंस आपके शुरू हो गए। गुप्त काल में क्या क्या हुआ था आर्ट एंड आर्किटेक्चर में? पल्लवी तुम घूमने जाओगे? बिल्कुल जाओ घूमने यार, बहुत बढ़िया जगह है, स्पेक्टेक्युलर जगह है, मतलब तुम मंत्र मुग्ध मुग्ध हो जाओगी देखकर, मंत्र मुग्ध, कैरिज्मेटिक जगह है, कैरिज्मेटिक प्लेस। बच्चों गुप्ता काल को गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी धर्मों के प्रति बहुत ज़्यादा दिलदारी दिखाई गई थी, सभी धर्मों के प्रति बहुत ज़्यादा सहानुभूति, सब धर्मों के प्रति बहुत ज़्यादा कुछ दिखाया गया था, ठीक है। नंबर टू स्टेटमेंट, गुप्ता काल के दौरान जितना भी आपका आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ तो बच्चों गुफाओं में बहुत ज़्यादा हुआ, उनका बढ़ा। नंबर थ्री, जो गुफाओं के अंदर जो पेंटिंग्स बनाई गई वो फ्रेस्को पेंटिंग्स कही गई। तो बच्चों कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है बताइए जरा फटाफट से। बिल्कुल जाओ बच्चों घूमने, लाइक्स नहीं बढ़ रहे हैं, तुम घूमने तो जा रही हो लेकिन लाइक्स नहीं कर रही हो, कोई सी भी वीडियो लाइक नहीं हो रही है आज, आज आज थोड़ा जोश में कमी लग रही है मुझे। हाँ बताइए भैया जल्दी, क्या आंसर आ रहा है भाई बच्चों का, क्या आंसर आ रहा है? रॉयल भूदेव, नमस्कार जी। डी बोल रहे हैं सारे, मतलब के 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। अच्छा जी, थैंक यू बच्चों, जो बच्चे लाइक कर गए सबका धन्यवाद, शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, और जबरदस्त आपको आर्ट एंड कल्चर के नोट्स दे रहे हैं एमसीक्यूज के माध्यम से। एक क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस लेवल के 5 क्वेश्चंस के बराबर है। ये पूरी सीरीज को छोड़ना नहीं, बहुत अद्भुत मौका है आपके लिए आर्ट एंड कल्चर तैयार करने का, वो भी निशुल्क यूट्यूब पर, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा आपका, ठीक है। बच्चों इसका आंसर बताएं फटाफट से। हेलो रॉयल भूदेव जी, नाम क्या है आपका? भूदेव, अच्छा जी। पल्लवी कह रही है मैं या डी, अच्छा मतलब ऊपर के दोनों सही है। बच्चों पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है गुप्त काल को, इस दौरान जितना भी आपका आर्किटेक्चर हुआ जबरदस्त आर्किटेक्चर हुआ, ठीक है, लेकिन गुप्ता पीरियड के दौरान बच्चों केव्स का नहीं हुआ डेवलपमेंट, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इसके दौरान टेम्पल यानी कि मंदिरों के पुनर्निर्माण और मंदिरों के आर्किटेक्चर पर ध्यान दिया गया। तो गुप्ता काल इज नोन फॉर टेम्पल आर्किटेक्चर, गुप्ता काल इज नोन फॉर द टेम्पल आर्किटेक्चर। ये ब्राह्मण्स थोड़ा सा हैवी थे, हावी थे इस टाइम पर, इसमें बुद्धिज़्म भी बहुत ज़्यादा पीक पे गया, जैनिज़्म भी बहुत ज़्यादा पीक पर गया गुप्त काल में, और ब्राह्मण्स भी बहुत ज़्यादा पीक पर गए। तो एग्जेम्पलरी उदाहरण है ये कि अपने हिंदुज़म के साथ साथ उन्होंने दूसरे धर्मों का भी प्रचार प्रसार करवाया करा। और आपको बता दें बच्चों कि केव्स का जो डेवलपमेंट था वो बहुत कॉन्स्टेंट रहा, इसमें कोई ऐसा कोई खास इसके अंदर नहीं रहा, ठीक है। और आपको बता दें केव केव पेंटिंग्स में उन्होंने म्यूराल पेंटिंग्स
म्यूराल पेंटिंग्स, वहाँ पर पेंटिंग्स करानी शुरू कर दी। पेंटिंग्स का नाम था म्यूराल, यानी कि जो ऑलरेडी केव के अंदर बने हुए थे। तो उन्होंने कौन सी पेंटिंग बच्चों वहां पर डाली? म्यूराल, MURAL, म्यूराल पेंटिंग, म्यूराल चित्रकला, ठीक है। और इसके अलावा आपको बता दे बच्चों, जो थर्ड स्टेटमेंट है फ्रेस्को पेंटिंग वाला, तो बच्चों फ्रेस्को पेंटिंग बिल्कुल सही बात है। फ्रेस्को पेंटिंग का मतलब है कि नेचुरल पेंटिंग्स करी गई, उसको फ्रेस्को पेंटिंग कहा जाता है। तो केव्स के अंदर फ्रेस्को पेंटिंग के साथ उन्होंने क्या करा, उनका डेवलपमेंट किया, उनका पुनर्निर्माण करा। बात समझ में आ रहा है? तो अजंता अलोरा के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बच्चों, प्लीज़ ये क्वेश्चन आया हुआ आपके UPPCS में कि अजंता और अलोरा की गुफाओं में गुप्त काल के दौरान कौन सा डेवलपमेंट हुआ था, या उसमें कौन सी चित्रकला को बढ़ावा दिया गया था, तो या म्यूराल पेंटिंग को कौन से काल के दौरान बढ़ावा दिया गया था, या म्यूराल पेंटिंग को जो गुप्त काल के दौरान बनाई गई थी, कौन सी गुफाओं में उनका अद्भुत निर्माण देखने को मिलता है। तो इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब है अजंता और अलोरा की गुफाएं। कौन सी पेंटिंग्स का नाम बता रही हूँ? अजंता और अलोरा की गुफाएं। कौन सा नाम बता रही हूँ? अजंता अलोरा गुफाएं। तो इसका जो सही ऑप्शन बना बच्चों आपका, इसका जो सही ऑप्शन बना आपका वो बना बी, यानी कि 1 और 3। सो द राइट आंसर इज, एग्जाम की टेंशन हो रही है? कौन से एग्जाम की, 4 अक्टूबर की कि 11 अक्टूबर की, UPSC वाले की? अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, जो होना होगा हो जाएगा, टेंशन। चलिए बच्चों, अब गुप्त गुप्त साम्राज्य की कुछ और बात करते हैं। बच्चों गुप्ता काल के अंदर जितना भी निर्माण हुआ उसमें कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं? आयरन और तांबा, मोनोलिथिक अखंड स्तंभों का उपयोग, नागर और द्रविड़ियन स्टाइल की आर्ट, और म्यूराल केव पेंटिंग्स। अभी अभी बताया है मैंने आपको, अभी अभी बताया है, जल्दी से देखिए आंसर बताइए। क्वेश्चन आपका सही कहना होना चाहिए भाई, बिल्कुल। आयरन और कॉपर, मोनोलिथिक और नागर, और द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है, जल्दी बताएं बच्चों। पल्लवी कह रही है 2 और 3। भूदेव जी, दीपक, आरिफ, सुशील यादव, बहुत सारे बच्चे जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आंसर करने की कोशिश करें। सीमा, अच्छा भूदेव जी का जवाब आया है डी, लक्ष्मी वाजपेयी जुड़ी हमारे साथ। लक्ष्मी जी नमस्कार, और मैं आशा करती हूँ कि जितने नए बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो लगातार इस सीरीज से जुड़े रहेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो बच्चों एक लाइक की उम्मीद जरूर करती हूँ मैं आपसे, इतनी मेहनत करती हूँ तो एक लाइक तो बनता है। चलिए लक्ष्मी वाजपेयी जी और भूदेव जी दोनों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और आरिफ 1, 2 और 3। बच्चों आयरन और तांबे का दबाकर यूज हुआ था गुप्त काल में, बिल्कुल सही बात, ठीक है। मोनोलिथिक पिलर, आपको पता है बच्चों मेहरौली में एक बहुत बड़ा लोहे का स्तंभ है, मेहरौली में कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में। नमस्ते लक्ष्मी जी, अंजलि सैनी नमस्कार, हेलो बच्चों नमस्कार। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ये सीरीज आपकी लगातार चल रही है। बच्चों मेरी इस सीरीज का उद्देश्य है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स के लिए जो कला और संस्कृति के क्वेश्चंस आते हैं तो उनके नोट्स आपको बनवाना MCQ के माध्यम से। प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दूंगी और उसके नोट्स आप बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका ये जो टॉपिक है वो आपका तैयार हो जाएगा। अंजलि अगर तैयारी नहीं है तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों अखंड पिलर दिल्ली के मेहरौली इंस्टीट्यूशनल एरिया में, बच्चों याद होगा आपको एक बहुत आज तक उसमें ना तो कोई मतलब जबरदस्त उदाहरण है कि लोहा का यूज किया कैसे जाए। दिल्ली का जो मेहरौली का स्तंभ है बच्चों, वो आज तक भी उसमें ना तो कोई जंग लगी है, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, ना उसमें आज तक कुछ हुआ है, मतलब उसका कुछ बिगड़ा ही नहीं है,
उसका कुछ नहीं बिगड़ा, वो जबरदस्त एग्जाम्पल है, गुप्त काल का है वो, दिल्ली का, दिल्ली आयरन पिलर। उसके अलावा बच्चों आपका बुद्धा का बहुत बड़ा सुल्तानगंज, सुल्तानगंज में बच्चों बुद्धा जी की कॉपर की, तांबे की बहुत बड़ी मूर्ति है जो इस समय बर्मिंगम म्यूजियम के अंदर रखी गई है। बच्चों ये 7.5 फीट लंबी मूर्ति है और इसका वजन है लगभग 1 टन। बात समझ आ रही है आपको, कितनी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो वो भी गुप्त काल के दौरान बनवाई गई। दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आपका स्कंद गुप्त के दौरान स्कंद गुप्त ने बनवाया था भीताहरी मोनोलिथिक पिलर, तो वो भी आपका मोनोलिथिक पिलर इसी के अंदर आता है। नागर और द्रविडियन, ये दोनों मैंने आपसे क्या बोला था कि टेम्पल आर्किटेक्चर आपका गुप्त काल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से उभरा और हर तरह के मंदिरों के ऊपर उन्होंने डिटेल्स को, डिटेलिंग जो की गई उसमें बहुत अच्छे से उनके ऊपर बच्चों ध्यान दिया गया। बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है जी। और म्यूराल के पेंटिंग्स तो मैंने जस्ट आपको बताई कि के पेंटिंग्स उन्होंने नेचुरल उसका इस्तेमाल करते हुए पेंटिंग्स भी कराई। तो लगभग बच्चों इसलिए गुप्ता पीरियड को गोल्डन काल कहा जाता है इंडियन आर्किटेक्चर का। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल, भारतीय आर्ट एंड आर्किटेक्चर का स्वर्णिम काल, इसीलिए इसको बोला जाता है। दिस इज द ओनली रीजन। बात समझ में आ गई बच्चों? अच्छी लग रही हो ना वीडियो, तो आप लाइक जरूर करेंगे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। आपका 3-4 स्टेटमेंट से जरा देखिए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देवगढ़ टेम्पल झांसी और बहुत बड़ा कॉपर स्टैचू बुद्धा का, सुल्तानगंज, दिल्ली का आयरन पिलर और बाघा की केव पेंटिंग, इनमें से ये कौन से काल को बताती हैं? अभी अभी बताया मैंने आपको उसका आंसर, जस्ट अभी बताया, देखते कौन से बच्चे समझ गए आंसर को। अगर आपने मेरा एक्सप्लेनेशन सही से सुना होगा, अगर आपने मेरा एक्सप्लेनेशन सही से सुना होगा तो आप इसका आंसर तुरंत देंगे मुझे अभी के अभी। टेम्पल ऑफ देवगढ़ नियर झांसी, बाघा पेंटिंग। बच्चों आपको पता है बाघा की गुफाएं कहां पर हैं? बाघ गुफाएं आपकी ग्वालियर के पास है, ग्वालियर। अंजलि और सारे बच्चे बोल रहे हैं गुप्त काल, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। गुप्ता काल, सारे गुप्ता काल, झांसी के देवगढ़ के पास जो बच्चों मंदिर है, ठीक है, मेहरौली का पिलर मैंने अभी आपको बताया, दिल्ली का। नारायण यादव जी नमस्कार, नारायण यादव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अकेडमी पर। और सारे बच्चों को बता दूं कि ये मेरी सीरीज डेली चलती है, इसके अंदर जबरदस्त एक्सप्लेनेशन होती है आपको सारे एग्जाम्स के लिए। आर्ट एंड कल्चर का कंटेंट मेरी इसी सीरीज से मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सीरीज अच्छी लग रही होगी और आपने सबने वीडियो मेरी लाइक कर दी होगी, ठीक है। तो बच्चों अभी मैंने बताया सुल्तानगंज में 7.5 फीट लंबा को तांबे का बुद्धा पेंटिंग, दिल्ली जो अभी इस समय बर्मिंगम म्यूजियम में है, इंडिया में है भी नहीं है म्यूजियम। और उसके अलावा आपका दिल्ली का मेहरौली का आयरन पिलर और बाघा ग्वालियर की बाघ की केव पेंटिंग, ये सब आपका गुप्ता काल के दौरान बच्चों डेवलपमेंट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगर आप अजंता की गुफाओं के अंदर जाएंगे तो आपको इसमें से क्या क्या दिखाई देगा, जल्दी बताएं। अगर आप अजंता की गुफाओं के अंदर जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? लक्ष्मी जी मेरी क्लास 7 बजे शुरू होती है डेली, 7 o'clock, 7:00, आज मैं लेट हो गई, 7:15 शुरू हुआ, डेली 7:05 पर मैं लाइव आती हूँ। तो आप लोग डेली जुड़ जाए कीजिए, सारे बच्चों को शेयर कर दीजिए वीडियो। हाँ 7 बजे शाम को, 7:05 पर सारे बच्चे लाइव आ जाए करो, नोट्स बनाया करो मेरे साथ बैठकर, ठीक है ना। आर्ट एंड कल्चर आपका यहीं से रेडी हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बच्चों अजंता की गुफाओं में क्या क्या मिलेगा आपको? बुद्ध का महापरिनिर्वाण, शिवाजी और शिवजी की शादी, पद्म पानी और वज्र पानी, और त्रिमूर्ति गंगाधर और अर्धनारीश्वर। क्या क्या मिलेगा आपको जल्दी बताएं बच्चों, क्या क्या मिलेगा? आरिफ का भी सही जवाब है भाई। बच्चों अजंता की गुफाओं के अंदर आपको क्या मिलेगा?
भूदेव जी का आंसर आ गया है सी, लक्ष्मी का सी, नारायण यादव का बी, अंजलि का, आरिफ का सी, अंजलि जी का ए, अंजलि सैनी। बच्चों आपको बता दें कि ये जो आपका सीरीज है ना, इसमें 1 एंड 3 आपका सही है, यानी कि जिन बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है वो सारे बच्चे करेक्ट है, आरिफ, लक्ष्मी, भूदेव। ठीक है, तो बच्चों एक तो बुद्ध जी का इमेज आपको मिलेगा वहां पर, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो ये पद्मा पाणी और वज्र पाणी, ये दो आपको मिलेंगे वहां पर, पद्मा पाणी और वज्र पाणी, यानी कि वरंत, ये जो दो अर्च आ गए, यानी कि शिवा की शादी, शिव की हत्या और शिव की शादी, अंधक को मारते हुए, शिव एक अंधक ऋषि थे उसको मारते हुए वो फोटो, और बच्चों उसके अलावा आपकी ये त्रिमूर्ति, गंगाधर और अर्ध नारीश्वर, ये तीनों बच्चों आपको मिलेंगी एलिफेंटा केव्स में, एलिफेंटा मध्य प्रदेश, ये बच्चों आपको एलिफेंटा गुफाओं में मिलेगा ये सारा। 2 एंड 4, शिवा अंधक उसको मारता हुआ, शिवों की शादी, अर्ध नारीश्वर रूप। और बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करेंगे। और उसके अलावा त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति, गंगा की धारा और अर्ध नारीश्वर रूप, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, एलिफेंटा की गुफाओं में बच्चों मिलेगा। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो 2 एंड 4 जो मैंने लिखा है, ये वाला 2 एंड 4, ये बच्चों चालुक्यास के द्वारा ये आर्ट बनाई गई थी, प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है ये, प्रोमिनेंट। और आपको बच्चों एक बात बता दूं, ये शायद आपको कोई हिस्ट्री का टीचर भी नहीं बताने का, कि एक इसमें फोटो है ये एलिफेंटा का उसमें ही अंदर, जिसमें ये दिखा रखा है कि रावण ने, ये आपकी जो त्रिमूर्ति है ना, ये सेकंड वाला, इसमें दिखा रखा है कि जो आपकी एलिफेंटा की गुफाएं हैं उसी में उसमें एक पेंटिंग, एक मूर्ति बना रखी है, उसमें ये बताया गया है कि जो रावण था ना, तो रावण ने अपने हाथों से कैलाश को उठाया हुआ है, ये आपको कोई टीचर नहीं बताने का। और बहुत डिटेल स्टडी करोगे जब जाके आपको पता चलेगा कि ये भी ऐसा भी होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बच्चों इसका आंसर क्या बना, इसका आंसर आपका बना 1 एंड 3। तो रावण कैलाश को उठाते हुए कौन सी पेंटिंग में बताया मैंने आपको, कौन सी उसमें बताया बच्चों, ये बताइए, मैंने आपको बताया एलिफेंटा की गुफाओं में, ठीक है, एलिफेंटा की गुफाओं में। चलिए बच्चों आज के लिए बहुत है इतना, क्योंकि समय भी हो गया, आपका भी दूसरी क्लास का समय हो रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और डेली 7 बजे जुड़ जाया करें मेरे साथ अन अकेडमी पर, अन अकेडमी यूपी एग्जाम्स पर। और आर्ट एंड कल्चर का एक प्रोग्राम लेकर आ रही हूँ मैं प्लस पर इस बार, ठीक है, तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो RAINA10 कोड का इस्तेमाल करेंगे और अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन लेने से पहले एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, अन अकेडमी पर अभी क्लास नहीं है, अन अकेडमी पर मेरा क्लास चलेगा कल से या परसों से, आपको इन्फॉर्म कर दूंगी मैं। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो डेली 7 बजे, कल भी 7 बजे क्लास होगा, तो टाइम से आ जाइएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत मज़ा आया नए नए बच्चों के साथ मिलकर, जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच। 9 बजे मेरा सेशन आएगा प्रतियोगिता हिंदू वोकैब का, डेली मैं हिंदू अखबार की कुछ वोकैबुलरी बच्चों लेकर आती हूँ रात को 9 बजे यूट्यूब पर, तो आप सारे बच्चे मुझे 9 बजे अभी यूट्यूब पर मिलेंगे वापस 1 घंटे बाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।